हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो तो अपना SHO मॉडल के बारे में। SHO मॉडल में अपन ने वेव फंक्शन, एनर्जी, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन और साथ में किस किस पर वो डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें अपन ने सीख ली थी। क्लियर? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वेव फंक्शन से अपन क्या क्या कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन अपन ने सीख ही लिया, वेव फंक्शन जो है उसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, वैसे मैंने आपको सिखा रखा है इसका, जब अपन ने नॉर्मलाइजेशन के बारे में सीखा था कि फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, तो मैंने ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन भी लिया था, उसका एग्जांपल भी लिया था, उसको अपन देखो वहाँ पर भी अपन ने सीखा रखा है। एक बार मैं आज और सिखा दूँगा आपको, ठीक है? आपको कोई भी वेव फंक्शन दे उसको पहचान के आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हो, उसका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट आप निकाल सकते हो, सही है? अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कल जो अपन ने एक बार पढ़ा उसको मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके अपन एक वेव फंक्शन लेके आए थे, और वो वेव फंक्शन क्या था आपको याद रहना चाहिए। वो वेव फंक्शन क्या था अपना, देखो साई, हाँ जी, साई एन एक्स आई, हाँ जी, बोलो वेव फंक्शन क्या था। देखो, आपको भी याद रहना चाहिए, 1/2 की पावर एन, एन फैक्टोरियल की पावर 1/2, हाँ जी, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, एच एन एक्स आई, हाँ जी, और साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये अपना वेव फंक्शन निकल के आया था जो कि एक जनरलाइज वेव फंक्शन था अपना। क्लियर? यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू, अब देखो वैल्यू से पता होना चाहिए, एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, रूट बीटा एक्स। ग्राउंड स्टेट के लिए जो हर्माइट पॉलीनोमियल होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, एच जीरो, हाँ जी, बोलो 1। एन बराबर 1 के लिए, मतलब फर्स्ट एक्स आई स्टेट के लिए एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, याद करो, देखो 2xi होती है, 2xi का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हाँ जी, 2√β(x), सही है? क्योंकि xi की वैल्यू क्या होती है, √β(x). n बराबर 2 के लिए आपको याद रहना चाहिए ये h2xi, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4xi² - 2। देखो, इसकी जगह रखोगे आप तो क्या आ जाएगा, 4β(x²-2)। लो भैया, ये वैल्यू आपको याद रहे, क्लियर है? देखो, यहाँ पर अपन ने अल्फा और बीटा कुछ माने थे, याद करो, जब अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके लेके आए थे तो मैंने आपको बोला था कि अल्फा की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 2me/h²। बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी, mk/h²। तो बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी वहाँ से, √mk/h², सही है? मैंने आपसे बोला था कि अल्फा बाई बीटा जो होता है वो 2n+1 होता है। जब अपन ने अल्फा और बीटा दोनों अपन ने रेशो लिए, ये वैल्यू का रेशो और इस वैल्यू का रेशो, तो आपके सामने जो एनर्जी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, यहाँ से n+1/2 h𝛎, सही है? मैंने बताया था कि न्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, और इस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π, हाँ जी, √k/m। लो भैया, यहाँ तक किसी को दिक्कत थी क्या? यहाँ तक ये मैंने आपको सिखाया था कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखा दिया था ये। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन होता है, देखो n बराबर 0, जब अपन इस फॉर्मूले में ये n बराबर 0 रखेंगे सब जगह, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, β/π, हाँ जी, 1/4 exponential - β² / 2। लो भैया, ये यहाँ से वेव फंक्शन निकल के आएगा, सही है? ये वेव फंक्शन निकल के आ गया, और मैंने आपको बोला था कि साई एन जो होता है, साई एन, वो किस किस पर डिपेंड करता है, हाँ जी, वो हर्माइट पॉलीनोमियल पर डिपेंड करता है, और साथ में इस एक्सपोनेंशियल की पावर जो होती है इस पर डिपेंड करता है वो। लो भाई, कोई दिक्कत किसी को भी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो यहाँ तक, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सही है? यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था, ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हैं, ये वेव फंक्शन निकाला था, इसकी वैल्यू ये होती है, हर्माइट पॉलीनोमियल ये होते हैं, सही है? ये अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा, अब अल्फा और बीटा का रेशो लेके अपन क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, जो निकाली थी n+1/2, क्लियर? और ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन था ये, सही है? और ये क्या है अपना, हाँ जी, किस पे डिपेंड करता है ये, क्लियर है चीज़? हाँ जी, अब देखो, अब हाँ जी देखो, आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है, हाउ टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन ऑफ SHO, क्लियर है चीज़? देखो, अब मैं इसको साफ करके बताता हूँ आपको कि नॉर्मलाइज कैसे करते हैं वेव फंक्शन को, ठीक है? SHO का वेव फंक्शन नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है इसके बारे में समझना हो आप, क्लियर है चीज? हाँ जी, देखो कोई भी डाउट आए किसी भी तरीके का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, क्लियर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि डाउट आ रहा है तो क्या है वो, अगर आप पढ़ रहे हो दैट मीन्स डाउट भी आएगा, नहीं पढ़ रहे तो कहाँ से आएगा, सही है चीज़? देखो, सुनना ध्यान से, हाउ टू नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन ऑफ SHO, लिख लो आप चाहे हेडिंग डाल लो, क्लियर? देखो मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, हेडिंग डाल लो हाउ टू, हाँ जी, हाउ टू नॉर्मलाइज
वेव फंक्शन ऑफ SHO, वेव फंक्शन ऑफ SHO, दिखाया गया आपको ये? हाँ जी दिख रहा है, देखो सुनना भाई ध्यान से, देखो इधर आपको पता है कि 1D SHO जो है उसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है ग्राउंड स्टेट का? हाँ जी, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये वेव फंक्शन होता है किसका? हाँ जी ग्राउंड स्टेट का, सही है। अब ध्यान रखना, आप सुनो ध्यान रखना एक चीज़ का कि जो SHO मॉडल यहाँ पर लिमिट जो होती है, लिमिट वो हमेशा क्या मानते हैं अपन? माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, क्लियर है? देखो मैं बताऊंगा, रीज़न भी दूंगा इसका कि यही क्यों मानिए अपन ने माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है, क्लियर है चीज़। देखो अभी आप इतना ध्यान रखना अभी आप कि एक तो लिमिट क्या होती है, लिमिट क्या होती है भैया? हाँ जी देखो लिमिट क्या होती है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, क्लियर है चीज़। और ये जो बीटा है, इस बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है अच्छे से? √mk/h, सही है, ये इसकी वैल्यू होती है √mk/h। लो भैया सही है। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि साई जीरो इज इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। ये जो है ये एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट का, लेकिन सपोज करो आपको ये दे रखा है बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, क्लियर, ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है, आपको केवल ये दे दे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आपको दे दे तो आपसे पूछे कि बताओ उसको नॉर्मलाइज कैसे करोगे आप, तो वो अपन को वो करना आना चाहिए ना अपन को कि अपन उसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, उसका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट क्या होगा वो अपन को निकालना आना चाहिए, सही है। देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है कि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन निकल के आएगा, जो अपन इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मलाइज करेंगे तो इंटीग्रेशन निकल के आता है, वो इंटीग्रेशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखा रखा है जब मैंने इंटीग्रेशन की क्लास ली थी, सही है, याद करो मैंने एक इंटीग्रेशन आपको सिखा रखा है। देखो वो इंटीग्रेशन क्या था, वो इंटीग्रेशन ये था कि एक्स की पावर एन, क्लियर, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस इनफाइनाइट लिमिट से प्लस इनफाइनाइट। देखो ये लिमिट देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये SHO की बात हो रही है। इसका रिजल्ट सपोज करो आई आता है, अब आई का मतलब क्या है? देखो अगर एन की वैल्यू अपनी क्या रहती है, ऑड रहती है। हाँ जी देखो भाई समझ में आना चाहिए आपको ये चीज़, ये कि एन की वैल्यू अगर ऑड रहती है तो ये आई का रिजल्ट हमेशा क्या हो जाता है, सीधे जीरो हो जाता है। आई का रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो, सब कुछ जीरो हो जाता है। लेकिन अगर एन बराबर इवन होता है, एन बराबर क्या होता है, इवन, तो उस केस में क्या होता है, ये जो आई है, इस आई का रिजल्ट क्या निकल के आता है, देखो इधर आई का रिजल्ट क्या निकल के आता है, सुनना भाई ध्यान से, देखो गामा फंक्शन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय, हाँ जी, बीटा की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। लो भैया ये रिजल्ट निकल के आता है इसका, गामा फंक्शन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू और बीटा की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, सही है, मैंने सिखा रखा है आपको वो चीज़ ये। देखो आगे देखना भैया, गामा फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं अपन? गामा फंक्शन अगर 1/2 होता है तो इसका रिजल्ट होता है √π, गामा फंक्शन अगर 3/2 होता है तो इसका रिजल्ट होता है 1/2 × √π, ये सोल्व करना सिखा रखा है मैंने आपको। गामा फंक्शन अगर 5/2 होता है तो उसका रिजल्ट कैसे सोल्व करते हैं अपन? 3/2 × 1/2 × √π। अगर ये आगे चलता है 7/2 तो क्या हो जाएगा, 5/2 से स्टार्ट कर दो और √π तक ले जाओ इसको। बोलो भैया ये चीज़ समझ में आती या नहीं आती आपके? ये चीज़, ये इंट्रीगेशन था, बिल्कुल सिंपल था, ये मैंने सिखा रखा है आपको ये वाला इंट्रीगेशन, सही है, ये इंट्रीगेशन के रिजल्ट मैंने आपको निकालना सिखा रखे हैं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, किसी भी तरीके की, सही है। देखो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आप निकालोगे कि वो जो है वो कैसे नॉर्मलाइज होगा वे फंक्शन और उसका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट क्या होगा, क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या है वो सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नॉर्मलाइज द वे फंक्शन, ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, कैसी दे दे आपको, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, हाँ जी, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, हाँ जी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट एन फॉर द ग्राउंड स्टेट, कॉन्स्टेंट एन फॉर द, हाँ जी, ग्राउंड स्टेट फॉर, हाँ जी, वेव फंक्शन ऑफ SHO,
वेव फंक्शन ऑफ SHO, और इसने जो आपको वेव फंक्शन दिया वो क्या दिया है, साई इज इक्वल टू, देखो n, हाँ जी साई इज इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको पूरा लिख देते हैं, ढंग से लिखते हैं, इसने वेव फंक्शन क्या दिया आपको, साई इज इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये वेव फंक्शन दिया आपको इसने साई जीरो। इसने खुद ने बोल भी दिया कि साई जीरो का भी फंक्शन नहीं है, इसको आपको नॉर्मलाइज करना है। अब नॉर्मलाइज कैसे करेंगे अपन इसको, सुनना भाई ध्यान से देखो, इसको अपन नॉर्मलाइज कैसे करेंगे। देखो आपको मैंने सिखा रखा है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको एक अच्छी कंडीशन लगानी होती है, वो क्या होता है, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1, इसके बराबर कर दो, 1 के बराबर कर दो, जो वैल्यू आएगी, अगर 1 के बराबर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो उल्टा करो, रूट लगाओ और फंक्शन के साथ चिपका दो, या फिर सीधे आप n की, अगर n दे रखा है तो n की वैल्यू निकाल लो उससे, साई स्टार साई डीटो से, इसको 1 के बराबर रखो, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू दे रखी है, मतलब n दे रखा है, इसका मतलब सीधे करते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन है क्या होती है, देखो अप्लाई द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, सही है, पहले लिख लो एक बार लिमिट क्या होती है सच, जो कि आपको पता है माइनस इनफाइनाइट से, देखो जो भी पहले आपको पता हो वो लिखो, लिमिट पता है बहुत बढ़िया, वॉल्यूम एलिमेंट पता है बहुत बढ़िया, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है वो पता है बहुत बढ़िया, ये सब कुछ लिख दो आप एक बार, लिमिट आपको पता है ये रही तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, देखो सुनो ध्यान से, हाँ जी साई स्टार साई डीटो लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1, सही है। देखो अब रखो इसकी वैल्यू इसमें रखते जाओ, अब आप रखो भैया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, देखो अपन रखेंगे पहले इस वेव फंक्शन के स्टार, कोई आयोटा टर्म है नहीं है, मतलब सेम आ जाएगा, लो भैया एन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट एन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट डीटो क्या हो जाएगा यहाँ पे dx हो जाएगा इज इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया, एन है दोनों को बाहर लो, दोनों कॉन्स्टेंट हैं, एन स्क्वायर बाहर आ गया, लो भैया माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, देखो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, सही है, डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो इंटीग्रेशन आपको दिख तो रहा है कुछ इस तरीके का ही है, ये इस तरीके का, लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर में कुछ दे ही रखा, एक्स की पावर में कुछ दे ही नहीं रखा, जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम क्या मानते हैं, एक्स की पावर जीरो मान लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि साथ में 1 तो है ही ना यहाँ पर, तो एक्स की पावर जीरो मान लेते हैं एक बार अपन। अब देखो जीरो का मतलब क्या होता है, इवन, और एक्स की पावर इवन होती है तो आई का रिजल्ट क्या आता है, गामा फंक्शन के फॉर्म में आता है, गामा फंक्शन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन बीटा की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, ये लो भाई देखो आगे सुनो ध्यान से भैया, देखना इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि देखो गामा फंक्शन पहले तो एन स्क्वायर है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा क्या निकल के आएगा, गामा फंक्शन, हाँ जी 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एन प्लस 1 होता है तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन बीटा, बीटा देखो बीटा आ गया, बीटा की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, लो भैया इज इक्वल टू 1 तो है ये, 1 के बराबर रख दिया, इसका रिजल्ट ये निकल के आता है हमेशा, सही है। देखो एन स्क्वायर, बहुत बढ़िया, गामा फंक्शन क्या निकलेगा, गामा फंक्शन 1 बाय 2, और गामा फंक्शन 1 बाय 2 का मतलब क्या होता है, पहले एक बार लिख देता हूँ मैं, गामा फंक्शन 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय बीटा की पावर भी क्या निकलेगी, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1, सही है। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखना भैया इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इधर, लो देखो भाई देखना एन स्क्वायर, हाँ जी गामा फंक्शन 1 बाय 2 का मतलब क्या होता है, रूट पाई, लो भैया रूट पाई डिवाइडेड बाय बीटा की पावर, ये बीटा की पावर 1 बाय 2 का मतलब भी क्या हो गया, रूट बीटा हो गया, अरे समझ में आया ना, बीटा की पावर 1 बाय 2 का मतलब भी क्या हो गया, रूट बीटा इज इक्वल टू 1, लो भैया इसको सॉल्व करते हैं आगे, एन स्क्वायर को उधर ले गए अपन, एन स्क्वायर ही है, बाकी उधर ले जाओ आप, उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, बीटा अपॉन पाई की पावर, रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर हाफ, लो भैया हाफ हो गया, सही है। अब एन की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ से, तो उधर जाएगा तो दोबारा रूट हो जाएगा, ये ऑलरेडी किस में है, 1 बाय 2 में है, तो इन 2 हो जाएगा 1 बाय 2 से, तो क्या निकलेगा, 1 बाय 4, लो भैया, अरे समझ में आया नहीं आया भाई बताओ, इस एन स्क्वायर की वैल्यू ये थी, हाफ था ऑलरेडी,
जब ये उधर जाएगा तो दोबारा से हाफ हो जाएगा, तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा, 1/4। ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है। ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, सही है। अब जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज, अब आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, इसने तो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट पूछा था तो अपना आंसर तो यहीं आ गया। लेकिन अगर वो वेव फंक्शन ही पूछ ले तो देखो साइज 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। लो भाई सही है, बोलो भाई किसी भी तरह का डाउट हो तो बताओ। क्यों होगा फिर डाउट, तो कोई इतना कोई ज़बरदस्त काम तो है नहीं, पहले सीख रखा है हमने ये चीज़ हमने पहले सीख रखी है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके की, सही है। देखो अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने क्या किया, अपन से पूछा गया है कि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करें, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करें, पहले आपको वेव फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखो आपसे क्वेश्चन क्या दिया आपसे कि देखो वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करें, SHO मॉडल जो होता है, SHO मॉडल के वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करें, उसके लिए आपको वेव फंक्शन दे दिया ये एन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये दिया। इसको नॉर्मलाइज करना है, कैसे करेंगे अपन, इस पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई कर देंगे, क्या होती है, हाँ जी साई स्टार साई डीटो इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है तो वो नॉर्मलाइज होता है। मैंने इसको करा, यहाँ से मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आया ये वाला, मेरे को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, एक्स की पावर 0 है मतलब इवन है, इवन को अपन इस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो इवन होता है तो वो गामा फंक्शन के टर्म में सॉल्व होता है, और गामा फंक्शन 1/2 का मतलब क्या होता है भैया, रूट पाई। इस तरीके से सॉल्व करा तो एन क्या आया, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, इसको इसके फंक्शन के साथ अटैच कर दिया तो मेरा वेव फंक्शन क्या बनेगा भैया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो क्या बनेगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा स्क्वायर बाय 2, ये रहा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 जो है यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है, क्लियर है चीज, हाँ जी कोई डाउट हो तो बताओ किसी भी तरीके का, नहीं है उतारो देखो इसको। देखना भैया अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, वो भी आपको सॉल्व करना है, वो आप कैसे सॉल्व करोगे वो भी देखना भैया आप। बस मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये वे फंक्शन मैंने सेम लिया, बाकी मैंने इधर ले लिया साइज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल, हाँ जी एक्सपोनेंशियल माइनस 2x स्क्वायर, ये ले लिया मैंने एक्सपोनेंशियल माइनस 2x स्क्वायर, ये वे फंक्शन लिया। अब आपको बताना है कि ये, हाँ जी ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको नॉर्मलाइज करो और नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट निकालो भैया, सही है। अब देखो इसको अपन करते हैं, एक बार अपन इसको नॉर्मलाइज करते हैं, तो इसको मटाता हूँ एक बार यहाँ से, इस चीज़ को मटाता हूँ यहाँ से एक बार, भाई सॉल्व ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, अपन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं इसको एक बार, अपन अपने क्या जा रहा है। देखो सुनो ध्यान से, देखो इसको फटाफट सॉल्व करा देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे फिर ये। लो भैया माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, क्लियर, साई स्टार इसकी वैल्यू रखो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा, एन मान के कर लो एक बार, लो भैया एन मान लो ताकि दिक्कत नहीं रहे, एन एन भी नहीं मानोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको उल्टा करेंगे, रूट लगाएंगे और फंक्शन अटैच कर देंगे, वो आ जाएगा सेम आ जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं, एन एक्सपोनेंशियल माइनस 2x स्क्वायर डॉट एन एक्सपोनेंशियल माइनस 2x स्क्वायर डॉट डी एक्स इजिकल टू 1, सही है। एन भार लो यहाँ से, एन स्क्वायर भार ले दिया, लो भैया माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट, क्लियर है। एक्सपोनेंशियल कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, हाँ जी जुड़ जाएंगे दोनों, कितना हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 4x स्क्वायर, क्लियर, डॉट डी एक्स इजिकल टू 1। देखो कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब x की पावर 0 तो है ही है, सही है। अब वही इसको वैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखो अब बीटा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए यहाँ से, बीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो बीटा की वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो इधर इसमें देखना एक बार, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़कर, माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी होता है बीटा होता है, जो भी होता है क्या होता है बीटा, क्यों, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर आपने देखा था जनरल वेव फंक्शन में माइनस बीटा एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, बोलो भाई डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है चीज, हाँ जी मतलब माइनस बीटा माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी आपको पास रहेगा वो क्या होगा बीटा होगा, वो क्या होगा बीटा, ये चीज़ क्लियर है या नहीं है बोलो,
हाँ जी बहुत बढ़िया भाई, देखो इधर एक मिनट देखना भाई, इधर देखना इसको, इसको अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखना एक चीज़, ये x की पावर 0 है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इवन है। क्या है n की वैल्यू? इवन। जब n की वैल्यू इवन होती है तो उस केस में अपन ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो आता है वो गामा फंक्शन की फॉर्म में आता है। लो भैया एन स्क्वायर तो एजिट जाएगा। अब ये जो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? गामा फंक्शन, हाँ जी, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एन क्या है यहाँ पर? जीरो। जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई टू अपॉन, एक और से देखना बीटा। बीटा क्या है यहाँ पर? एक बार बीटा ले लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी बचता है वो क्या होता है? बीटा। देखो क्या बचेगा? फोर बचेगा। फोर की पावर, हाँ जी, जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन। देखो आगे एन स्क्वायर निकला, इधर से गामा फंक्शन क्या निकलेगा भाई? वन बाय टू अपॉन क्या बचेगा? देखो फोर की पावर वन बाय टू, मतलब रूट फोर हो गया ये, इज इक्वल टू वन। बोलो भैया कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं है। देखो एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इधर देखो वन बाय टू, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन एक बटा दो का मतलब क्या होता है? रूट पाई। लो भैया रूट पाई। इधर से देखते हैं फोर की पावर हाफ, इसका मतलब क्या होता है? टू होता है। बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू वन। लो भाई एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, बहुत ईजी है। दो को उधर भेजो, टू अपॉन रूट पाई, सही है। और इधर से देखते हैं अपन एन की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से। यहाँ से भैया एन की वैल्यू क्या निकलेगी? एन इज इक्वल टू, देखो, हाँ जी, रूट टू डिवाइडेड बाय पाई की पावर वन बाय फोर, यही तो निकलेगी भाई। इसका भी रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा? एक और रूट आ जाएगा इस पर, तो रूट इंटू रूट क्या हो जाता है? वन बाय फोर हो जाता है। लो भैया ये क्या आ गया? नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, सही है। अब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा? सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वो क्या हो जाएगा देखना भैया, सुनो ध्यान से। इस वैल्यू को वहाँ चिपका दो वेव फंक्शन के साथ, चिपकाओ भैया, चिपका दो भैया साहब। क्या आ जाएगा? साइज जीरो इज इक्वल टू, एन की वैल्यू रख दो, हाँ जी, रूट टू डिवाइडेड बाय पाई की पावर वन बाय फोर एक्सपोनेंशियल माइनस टू एक्स स्क्वायर। लो भैया, हाँ जी बताओ कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की? किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो बता देना भाई। हाँ जी, ये हो गया अपना नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। किसके लिए? जो अपन को गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए क्या हो गया? ये नॉर्मलाइज हो गया, सही है। बोलो कोई, देखो अब अपन आगे चलते हैं। देख रहा भाई, सुनो ध्यान से। ये तो अपन ने सीख लिया कि ऐसे जो के जो वेव फंक्शन होता है उसको अपन नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। वैसे तो अपन ने ये चीज़ पहले भी सीख के आए हैं, अपन पहले भी अपन इस चीज़ को सीख के आए हैं अपन। क्लियर है चीज़? बोलो बोलो, ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? इस चीज़ को अपन पहले भी सीख के आ चुके हैं, क्लियर है। तो अपन को ज़्यादा जोर नहीं, फिर मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन सोल्व कराए, ये इंटीग्रेशन के रिजल्ट मैंने आपको वापस से बताया भाई, सही है। जबकि मैं पहले आपको मैथ्स में सिखा चुका इन चीज़ों को। देखो अब अपना इतना काम हो गया। अब अपना देखो, सबसे पहले अपन ने, मैंने बोला था कि मैं 1D बॉक्स पढ़ाऊंगा, सॉरी 1D SHO पढ़ाऊंगा। 1D SHO के बाद मैंने आपको सिखाया नॉर्मलाइज कैसे करते हैं फंक्शन को। अब अपना उसमें थर्ड पॉइंट देखो, जो अपन ने सिलेबस लिखा था किसका? SHO का। लास्ट क्लास में लिखा था अपन ने SHO का सिलेबस, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अपन पढ़ेंगे इसके बाद में वो है अपना एवरेज वैल्यू के बारे में, एवरेज वैल्यू ऑफ SHO। क्लियर है चीज़? देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब अपन सीखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ SHO। क्या सीखेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ SHO। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, एवरेज वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्लियर। याद तो रहनी चाहिए एवरेज वैल्यू आपको, लेकिन निकालना भी आना चाहिए। कैसे निकाले बाई चांस कोई भूल जाए, वैसे भूलने वाली बात है नहीं है। SHO आपको याद ही रहनी चाहिए। कितने लोग हैं जिनको 1D बॉक्स की भी SHO वैल्यू याद है सारी, सॉरी 1D बॉक्स की भी एवरेज वैल्यू याद है सारी की सारी? देखो 1D बॉक्स के लिए क्या थी? एक्स एवरेज क्या था? एल बाय टू। एक्स स्क्वायर एवरेज क्या था? एल स्क्वायर बाय थ्री माइनस एल स्क्वायर बाई टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। पी एक्स एवरेज क्या था? जीरो। पी एक्स स्क्वायर एवरेज क्या था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फोर एल स्क्वायर। डेल्टा एक्स क्या था? एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व माइनस एल स्क्वायर बाई टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर का रूट। और डेल पी एक्स क्या था? एन एच अपॉन टू एल, ठीक है। और एक्स की पावर एन के लिए आपको जब एवरेज वैल्यू निकालनी थी उसका फॉर्मूला क्या था? वन बाई एल। और x की पावर n का क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेके l तक, सही है। ये थे अपने सारे एवरेज वैल्यू के रिजल्ट फॉर 1D बॉक्स, क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे SHO के लिए एवरेज वैल्यू के रिजल्ट। तो हेडिंग डालो एवरेज वैल्यू। देखो एवरेज वैल्यू, देखो किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि अपन बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो अपन फास्ट नहीं पढ़ रहे अभी। अपन ने जो चीज़ 1D बॉक्स को मैंने स्लो इसलिए लिया था ताकि चीज़ें समझ में आए, वहाँ पर सारी चीज़ें नई नई थी, इसलिए मैंने बहुत स्लो पढ़ाया था 1D बॉक्स।
ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाया था, बहुत धीरे धीरे। यहाँ पर अपन उन्हीं चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, बस वेव फंक्शन ही तो चेंज हो गया, बाकी सेम चीज़ें हैं, इसलिए अपन एस एच ओ को थोड़ा फास्ट भी ले रहे हैं। क्लियर है चीज़? और अपना देखो सिलेबस भी कराना है अपन को। आज अपना 32वां लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? 32वां लेक्चर। 32 लेक्चर में भी अपन क्या करेंगे, तो अपन स्लो थोड़ी चलेंगे अब, सही है? इससे पहले 31 लेक्चर हो चुके हैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स के, सही है? देखो एवरेज वैल्यू, पहले क्वेश्चन ही लिख लो आप, क्वेश्चन लिखो पहले कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू। अपन कौन कौन से निकालते हैं? एक्स एवरेज, एक्स स्क्वायर का एवरेज, पी एक्स एवरेज, पी एक्स स्क्वायर एवरेज, डेल एक्स, डेल्टा पी एक्स, ये सब निकालते हैं अपन, सही है? तो देखो देखो, और ये सब अपन निकालेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए। किसके लिए निकालेंगे? ग्राउंड स्टेट के लिए। लो भैया क्वेश्चन, हाँ जी, फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू फॉर, हाँ जी देखो, एवरेज वैल्यू ऑफ, देखो एक्स एवरेज, एक्स स्क्वायर का एवरेज, पी एक्स एवरेज, पी एक्स स्क्वायर का एवरेज, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, हाँ जी फोर, फोर एस एच ओ, फोर द, फोर द ग्राउंड स्टेट एस एच ओ, ग्राउंड स्टेट एस एच ओ। लो भैया ये क्वेश्चन है अपना, ये अपन को सब निकालना है, एक्स एवरेज भी निकालना है, पी एक्स एवरेज भी निकालना है, एक्स स्क्वायर का एवरेज भी निकालना है, पी एक्स स्क्वायर का एवरेज भी निकालना है, डेल्टा एक्स भी निकालना है, डेल्टा पी एक्स भी निकालना है, अनसर्टेनिटी मतलब। क्लियर? अब देखो अपन एक्स एवरेज निकालते हैं। अपन को एवरेज वैल्यू निकालने का मैंने मेथड आपको सिखा रखा है, एवरेज वैल्यू निकालने का आपको मैंने मेथड सिखा रखा है। क्या करना है? दो वेव फंक्शन दिए हुए हैं आपको, वेव फंक्शन, दो वेव फंक्शन के बीच में क्या कर दो, उसको सैंडविच कर दो, जिसकी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। और क्यों निकालते हैं, मैं आपको सिखा रखा है ये भी कि एवरेज वैल्यू क्या होता है। एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल निकालना। क्या निकालना? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। अब वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल निकालने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है? आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन से आप क्या निकालते हो? आइगन वैल्यू निकालते हो, और आइगन वैल्यू क्या होती है? अपनी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं या कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। जब वो फॉलो नहीं करते तो उस केस में अपन जो अप्लाई करते हैं वो लेते हैं अपन एवरेज वैल्यू मेथड। और एवरेज वैल्यू मेथड को अपन बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड। यहाँ से भी अपन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल निकालते हैं, ठीक है? तो अपन कैसे निकालेंगे? देखो मैंने सिखा रखा है आपको चीज़ तो कि आइगन वैल्यू इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। वो अगर अप्लाई नहीं होता, मतलब फंक्शन कोई भी आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, तो अपन एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? और एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखो जैसे आपको जो भी एवरेज वैल्यू निकालनी हो, एम एवरेज निकालना हो आपको, उसके लिए आप क्या करते हो? वेव फंक्शन लिया आपने, हाँ जी साई स्टार, इसका ऑपरेटर आपने यहाँ लगा दिया, फिर साई, फिर डिटो। क्लियर? और नीचे क्या रख देते हो आप वापस से? साई स्टार, साई डिटो। ये अपन जब रखते हैं जब अपना वेव फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइज नहीं होता। अगर इसको अपन, अपना वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको ये वैल्यू वन हो जाती है। क्लियर है? लो भैया ये होता है अपना, सही है? अब एक बार अपन इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। पहला अपन निकालते हैं, अपन फर्स्ट निकालते हैं अपन एक्स एवरेज। क्या निकालते हैं? एक्स एवरेज इसके लिए, सही है? और एस एच ओ के लिए लिमिट क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है चीज़? ये तो सही है। मैं कुछ चीज़ और बताता हूँ। ग्राउंड स्टेट का बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या होता है अपना? ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या होता है? अरे यार स्टैंड क्यों ले जाते हैं, सही है? देखो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होता है उसको समझो एक बार, हाँ जी। साई जीरो इज इक्वल टू 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये होता है अपना ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, सही है? और लिमिट क्या होती है? लिमिट क्या होती है भाई? हाँ जी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सही है? ये लो भाई, ये भी समझ आ गया आपके। अब अपन निकालेंगे सबसे पहले एक्स एवरेज की वैल्यू क्या होती है। एक्स एवरेज, लो भैया देखो वही चीज़, साई स्टार साई डिटो। ये रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपन ने वेव फंक्शन कैसा लिया है? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लिया है अपन ने, सही है? साई की वैल्यू रख दो, देखो इधर बीटा बाई पाई की पावर 1/4। पहले एक बार क्या करते हैं अपन, पहले फार्मूला रखते हैं, जनरल फार्मूला, साई स्टार साई एक्स कैप साई डिटो, सही है? देखो
रखो भैया, दो बार वही फंक्शन रखेंगे अपन, एक बार यहाँ रखेंगे एक बार यहाँ रखेंगे, बीच में अपन एक्स कैप को क्या कर देंगे, सैंडविच कर देंगे। रखो भैया, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, लिमिट क्या रहेगी यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, सही है। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू डॉट एक्स, क्लियर है। और देखो भैया, एक्सपोनेंशियल वापस वही फंक्शन लिखेंगे अपन साई, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा dx, और ये लिमिट आ जाएगी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। हाँ जी भैया बोलो, सही है या नहीं है बोलो भैया, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, क्लियर। देखो जो जो कॉन्स्टेंट आ रहा है कॉन्स्टेंट को बाहर ले दो, जो जो कॉन्स्टेंट आ रहे हैं उनको बाहर ले दो, एक बार बाहर ले भाई कॉन्स्टेंट को, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, बाहर क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2, सही है। अंदर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में देखना भैया, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। देखो एक तो केवल एक्स बचेगा, एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये भी सेम, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, टू तो गया काम से, डॉट डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। मैंने आपको बोल रखा है कि एक्स की पावर एन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई बीटा एक्स स्क्वायर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ये जब भी इंटीग्रेशन आता है तो ये गामा फंक्शन की फॉर्म में सॉल्व होता है, लेकिन कब, जब एन बराबर क्या हो, क्या हो, एन बराबर इवन हो और एन बराबर ऑड हो, तो पूरा रिजल्ट जीरो हो जाता है। और हमें एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि एक्स की पावर क्या है, वन, एक्स की पावर क्या है, वन। देखो भाई एक्स की पावर क्या है यहाँ पर, वन, और एक्स की पावर वन है, दैट मीन्स ये एन बराबर ऑड है, और एन बराबर ऑड होने पर ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ पर एन क्या है, ऑड है भैया, एन इज इक्वल टू ऑड, एन क्या है यहाँ पर, हाँ जी भैया ऑड, क्या है ऑड। इसका मतलब इस एक्स एवरेज का रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस पूरे का रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इस पूरे का रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, जीरो। ये जो रिजल्ट है ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा भैया, जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। और इसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा, इसका मतलब एक्स एवरेज क्या आ जाएगा भाई, जीरो, सही है चीज़। बोलो भाई कोई डाउट है किसी भी तरीके का, लो भाई इसका मतलब एक्स एवरेज क्या आ गया, जीरो आ गया, क्या आ गया, एक्स एवरेज क्या आ गया भैया, जीरो। लो भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी भी तरीके की नहीं है, सही है चीज, समझ में आ गई। लो भाई इसको मैं यहीं लिख देता हूँ एक बार सही से, एक्स एवरेज इज इक्वल टू जीरो। लो भाई ऐसे चो में तो एक चीज़ तो बढ़िया आ गया कि एक्स एवरेज क्या होता है, जीरो होता है, जबकि बॉक्स में क्या था, एल बाय टू, क्लियर। और यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ गया। ये तो अपन ने निकाला एक्स एवरेज, अपन निकालते हैं एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं अपन, देखो इधर एक्स स्क्वायर का एवरेज भी निकाल के देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। फिर देखो सेकेंड एक्स स्क्वायर का एवरेज वो कैसे निकालेंगे अपन, सही है। देखो क्या करेंगे अपन, वही माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार, हाँ जी एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर यहाँ रख देंगे अपन, सही है, और साई डीटो, क्लियर। देखो रखते जाओ, वे फंक्शन रख दो पहले इसमें, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू डॉट एक्स स्क्वायर डॉट बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू डॉट डी एक्स, क्लियर है चीज, ये अपन ने रख दिया। अब देखो क्या करते हैं अपन, जो कॉन्सेंटर्स को बाहर ले पहले, तो बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 और ये दोनों बाहर आ जाएंगे, क्या निकलेगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2, क्लियर है। हाँ जी इंटीग्रेशन देखते हैं अपन, अब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। लो भैया एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, एक्सपोनेंशियल की पावर ये, एक्सपोनेंशियल की पावर ये, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, सही है भाई। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे चलते हैं अपन, अब बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, 1/4 तो दो बार थे तो 1/2 हो गया। अब देखो एक्स की पावर 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, तो वो इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, 2 है, मतलब एन है, एन मतलब इवन नंबर में है, एक्स की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर एन क्या हो गया, इवन, क्या हो गया, एन बराबर इवन। जब इवन होता है तो गामा फंक्शन के फॉर्म में सॉल्व होता है, और कैसे सॉल्व होता है, देखो गामा फंक्शन, हाँ जी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, मतलब 2+1/2 डिवाइडेड बाय बीटा की पावर, हाँ जी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, मतलब 2+1/2। लो भैया
क्लियर है चीज? बोलो भाई सही है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्स स्क्वायर का एवरेज, सही है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना यहाँ से, देखो ये तो ऑलरेडी है, ये बीटा अपन पाई की पावर 1/4। इसको सॉल्व करते हैं अपन। गामा फंक्शन क्या आएगा यहाँ से? 3/2। गामा फंक्शन क्या आएगा? 3/2। और नीचे क्या आ जाएगा? बीटा की पावर 3/2। सही है? और सॉल्व करते हैं इसको अपन। अब देखना, सॉल्व कर रहे हैं इसको अपन, रिजल्ट क्या निकल के आएगा? बीटा अपॉन ये 1/4 को लिख रहा हूँ मैं बार बार, 2 हो गया था ना यहाँ पर, तो सही है? कौन लिख रहा है 4? कहाँ है? देखो 2 ही तो है। 1/ बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2। क्लियर? देखो गामा फंक्शन √3/2 का मतलब क्या होता है? सॉरी, गामा फंक्शन 3/2 का मतलब, इसको सॉल्व करना आता है अपन को, 1/2 इंटू रूट पाई। सही है? हाँ जी, देखो सॉल्व करते हैं इसको अपन। 1/2 इंटू रूट पाई डिवाइडेड बाय बीटा की पावर 3/2, बीटा की पावर 3/2। अब देखो समझना इसको कैसे काट रहे हैं अपन, कैसे काट रहे हैं इसको और समझना। देखो एक बार, देखो ये रूट पाई है, मतलब पाई की पावर हाफ है, ये पाई की पावर हाफ है, इस पाई से तो पाई को काटो, पाई के काम खत्म। क्लियर? यहाँ बीटा की पावर हाफ है, यहाँ बीटा की पावर 3/2 मतलब डेढ़ है, डेढ़ में से आधा गया तो कितना बचेगा? एक बचेगा भाई, डेढ़ में से अगर आधा गया तो क्या बचेगा? एक बचेगा, मतलब बीटा बचेगा यहाँ पर। तो ऑलरेडी ऑल ओवर बचा क्या? देखना एक बार, सुनना ध्यान से, बचा क्या इधर? एक्स स्क्वायर का एवरेज। देखो ये गया यहाँ से, पूरा गया है तो काम, पूरा काम खत्म। इस रूट पाई से रूट पाई गया, पूरा पाई गया, उस रूट बीटा से यहाँ कितना था? डेढ़ बीटा है ये, डेढ़ मतलब आधा गया, एक बचेगा। और इधर क्या बच रहा है? 1/2 मतलब 1/2 बच रहा है। और नीचे क्या बच रहा है? बीटा 1/2 बीटा। लो भैया, एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या निकल के आया? 1/2 बीटा। क्या निकल के आया? 1/2 बीटा। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया भाई, बताओ समझ में आया नहीं आया भाई, बताओ भाई। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो भाई बता दो। सही है? हाँ जी, ताकि अपन आगे चलते हैं फिर, ताकि कोई दिक्कत ना आए और भी। सही है? देखो एक्स का एवरेज क्या आया? 0। एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या आया? 1/2 बीटा। एक्स एवरेज क्या आया? 0। एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या आया? 1/2 बीटा। क्लियर है? हाँ जी, देखो आज अपन एसएचओ का बहुत सारा काम खत्म कर देंगे, ज़्यादा नहीं तो एवरेज वैल्यू तो सारी खत्म कर ही देंगे अपन। लास्ट लेक्चर तक अपन ने वेव फंक्शन को अपन ढंग से सीख लिया था, एनर्जी निकाल ली थी, वो सारे काम कर लिए थे अपन ने। सही है? यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? एवरेज वैल्यू वगैरह देख रहे हैं। क्लियर है चीज़? देखो सुनना ध्यान से, अपन बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू के बारे में। किसके बारे में? एवरेज वैल्यू के बारे में। एसएचओ में एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है एसएचओ में भी, जैसे अपन पहले एवरेज वैल्यू निकालते थे वैसे ही करना है। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको वेव फंक्शन के बीच में क्या करने देना है? उस जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है उसका ऑपरेटर आपको बीच में सैंडविच कर देना है। आपने क्या कर दिया? सैंडविच कर दिया। देखो ये रहा, ये आपने ऑपरेटर रखा इसका। रखने के बाद आप इसको सॉल्व करते गए और साथ में एक्स एवरेज जो निकल गया है वो कितना निकल गया है? 0। सेम कंसेप्ट आपने एक्स स्क्वायर के लिए करा। इस एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर आपने दो फंक्शन के बीच में रख दिया और आप सॉल्व करते गए और एंड में एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या आया? 1/2 बीटा। क्लियर? यहाँ पर एक इंटीग्रेशन सोल होता है, उसको आप समझना कि अगर एक्स की पावर अगर ऑड आ जाती है तो उस केस में पूरा रिजल्ट 0 हो जाता है, और अगर इवन आ जाती है तो उसको अपन गामा फंक्शन के फॉर्म में सोल्व करते हैं। इवन आ गया था, इसको अपन ने गामा फंक्शन के फॉर्म में सोल्व करा और इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आई? 1/2 बीटा। मतलब ऑल ओवर रिजल्ट क्या आया? एक्स एवरेज क्या आया? 0। एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या आया? 1/2 बीटा। क्लियर है चीज? हाँ जी, देखो इसको मैं साफ कर रहा हूँ वैसे। देखो इतना हो गया, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट, अगला एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट एवरेज वैल्यू क्या है वो देखना, समझना उसको ध्यान से। देखो अगला एवरेज वैल्यू क्या है? पी एक्स एवरेज। क्या है? पी एक्स एवरेज, पी एक्स एवरेज। सही है? देखो सुनना ध्यान से भाई, पी एक्स एवरेज क्या होता है वो अपन कैसे निकालेंगे पी एक्स एवरेज के बारे में? लो भैया देखो, बाकी फिर मैं आपको सारे रिजल्ट याद कराऊंगा डायरेक्टली, ठीक है? बाकी के सारे जितने रिजल्ट होंगे वो मैं आपको सीधे याद कराऊंगा। सही है? उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर आपको। देखो इसको मिटाई देता हूँ एक बार, तो
देखो इसको मिटाते हैं अपन, अपन को जगह काफ़ी सारी चाहिए इसलिए इसको मिटाते हैं एक बार अपन। देखना भाई पी एक्स एवरेज कैसे निकालेंगे अपन, पी एक्स एवरेज सही है। देखो अब कुछ नहीं करना, वही करना है अपन को साई स्टार जो है पहले दो वेव फंक्शन के बीच में क्या करेंगे इसको सैंडविच कर देंगे इसके ऑपरेटर को। लो भैया पी एक्स का ऑपरेटर इसके बीच में लगाया, फिर साई, फिर डीटो, और ये आ गया अपना माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट सही है। देखो सुनना ध्यान से, अब पी एक्स एवरेज निकाल रहे हैं अपन। देखो भैया वेव फंक्शन रखेंगे अपन इसका, रख दो भैया। देखो बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 सही है, हाँ जी पी एक्स और आगे एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू क्लियर है। पी एक्स का ऑपरेटर रख दो माइनस आयोटा एच कट डेल वाई डेल एक्स, वापस से भी फंक्शन रख दो इसका, रखो भैया बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू डॉट डी एक्स रख दिया। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपको माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। लो भैया सॉल्व करते हैं, जो जो कॉन्स्टेंट है पहले उसको बाहर निकालो, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो। बीटा अपॉन पाई, बीटा अपॉन पाई कितना निकल के आया, बीटा अपॉन पाई की पावर हाँ जी 1/2 सही है। माइनस आयोटा एच कट इसको बाहर निकाल दो, माइनस आयोटा एच कट लो भैया इसको बाहर निकाल दिया सही है। अब अंदर क्या बचाएं, अंदर देखना एक बार माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। देखो इधर बचेगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू क्लियर, अंदर क्या बचेगा वो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू और डी एक्स बचेगा। इस पूरे इंटीग्रेशन चल ही रहा है। अब देखो इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, मतलब पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके बाद अपन पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। लो भैया कर दो भैया इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करो पहले। तो बीटा अपॉन पाई की पावर हाँ जी 1/2 हो गया सही है। देखो आगे क्या बचेगा, माइनस आयोटा एच कट है ये। लो भैया देखो सुनना ध्यान से भाई, सुनना देखो ध्यान से, ये तो एज इट इज है माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, पूरे को मिटा दो एक बार, पास ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता तो सेम आ जाएगा बीटा एक्स स्क्वायर बाई टू सही है। डी एक्स चल ही रहा है, देखो इसका करो, इसका तो एज इट इज आ गया। अब इसका करोगे बीटा स्क्वायर बाई टू का तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x हो जाता है, तो इसका हो जाएगा माइनस बीटा, इसका अब जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 2 बीटा एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये इसका निकल के आएगा। इसका देख लेना आप, चेक करना है इसका, यही आएगा सेम ठीक है। क्यों आएगा, नीचे देखो बीटा बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, बीटा बाई टू कॉन्स्टेंट है सही है, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x क्लियर। इस 2 से 2 को काट देंगे अपन और माइनस बीटा को बाहर भेज देंगे, एक बार भेजते रहो। देखो बीटा अपॉन पाई की पावर हाँ जी 1/2 माइनस आयोटा एच कट है ऑलरेडी, माइनस बीटा को फिर बाहर भेज दो, माइनस बीटा फिर बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अब अंदर देखना भैया, अंदर देखना माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एक्स बचेगा, एक्स डॉट देखो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय टू, और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय टू क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब एक चीज़ बताना मेरे को, क्या ये इंटीग्रेशन वही आ गया क्या, एक्स की पावर एन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट वही आ गया। अब यहाँ पर एक्स एन की पावर अगर ऑड होती है तो पूरा रिजल्ट जीरो हो जाता है, और इवन होती है तो गामा फंक्शन सॉल्व होता है। देखो यहाँ पर एन की पावर क्या है, ये देखना एक बार, देखना भैया एन की पावर क्या है यहाँ पर 1, मतलब ऑड है, एन की पावर ऑड है, इसका मतलब इसका पूरे का रिजल्ट क्या आ गया भैया, इसका रिजल्ट आ गया 0, क्या आ गया 0, और ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कुछ भी हो फिर ये 0 ही देगा, ये फिर क्या देगा 0 ही देगा। देखना भाई फिर इसका मतलब पी एक्स एवरेज जो निकल के आया वो क्या निकल के आया भैया 0 सही है। पी एक्स एवरेज जो निकल के आया वो क्या निकल के आएगा 0 क्लियर है चीज, हाँ जी बोलो भाई कोई डाउट है किसी भी तरीके का बोलो भैया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्लियर। पी एक्स एवरेज क्या निकल के आ गया 0। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, सुनना देखो ध्यान से, पी एक्स एवरेज जो निकल के आया वो क्या निकल के आया 0 क्लियर। अब यहाँ से पी एक्स स्क्वायर का एवरेज अपन निकालेंगे, पी एक्स स्क्वायर का एवरेज वो क्या आएगा, देखो
देखना ध्यान से, पी एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या निकल के आएगा। पी एक्स स्क्वायर का एवरेज जो निकल के आता है उसको निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, देखो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, उसका मैं सीधा आपको रिजल्ट याद कराऊंगा। देखो बाकी मैंने आपको निकालना सिखाया है, एक्स का एवरेज क्या आया जीरो, एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या आया वन अपॉइंट टू बीटा, पी एक्स एवरेज क्या आया जीरो। अब पी एक्स स्क्वायर का एवरेज जो आएगा उसमें आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब यहाँ पर ये टर्म आई, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा एक्स का और इसका, फिर आप दो टर्म लिखोगे, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और आप उसका रिजल्ट देखोगे तो आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत ईजी है, इसका मतलब सीधा रिजल्ट ही याद कर लेते हैं। आपको पता है निकालते कैसे हैं, पता होना चाहिए आपको, कुछ नहीं करना, इस पी एक्स या पी एक्स स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो डिफरेंस दो बार आ जाएगा, दो बार आएगा इसका मतलब यहाँ पर आपको ये सॉल्व करके फिर इसका वापस से सॉल्व करोगे आप इसका रिजल्ट, इसका डिफरेंशिएशन वापस करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे अप्लाई करोगे ये वाला कंडीशन, सही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सीधे क्या करना है, ये इसके रिजल्ट याद करना है आपको, सीधे आपको क्या करना है इसके रिजल्ट याद करना है, सही है। देखो पी एक्स एवरेज का तो आपको पता ही लग गया जीरो आया, अब पी एक्स स्क्वायर का एवरेज ध्यान रखना क्या होता है, पी एक्स स्क्वायर का जो एवरेज आता है वो आता है हाफ बीटा एच कट स्क्वायर। हाँ जी भाई बोलो भैया, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की। इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हाफ बीटा एच कट स्क्वायर। देखो आपने चार रिजल्ट याद कर लिए, एक्स एवरेज जीरो, एक्स स्क्वायर का एवरेज वन बाय टू बीटा, पी एक्स एवरेज जीरो, पी एक्स स्क्वायर का एवरेज हाँ जी हाफ बीटा एच कट स्क्वायर, सही है। ये रिजल्ट आपने याद कर लिए, यहाँ तक किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, निकालते हैं अपन अनसर्टेनिटी, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो सीख लो एक बार। देखो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, समझना उसको भैया, वो कैसे निकालते हैं अपन अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। देखो देखना भैया, मतलब डेल एक्स कैसे निकालते हैं अपन, डेल एक्स निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, हाँ जी देखो अंडर रूट करते हैं अपन किसका, स्क्वायर के एवरेज का माइनस एवरेज का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस हाँ जी एक्स एवरेज का स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का एवरेज तो एक्स एवरेज क्या होता है भैया, एक्स एवरेज क्या होता है जीरो, और एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या होता है भैया सबको पता है भैया क्या होता है वन अपॉन टू बीटा, वैल्यू रख दो यहाँ पर इसकी, डेल एक्स क्या हो जाएगा देखो, देखो अंडर रूट, देखो भैया इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर का एवरेज वन बाई टू बीटा माइनस इसकी वैल्यू क्या है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो रहेगा, तो डेल एक्स क्या निकल के आएगा यहाँ से, हाँ जी वन बाय टू रूट बीटा, क्या निकल के आएगा वन बाई टू रूट बीटा, सही है। अब यहाँ से अगर मैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना चाहता हूँ, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम देखो वो क्या निकल के आएगा, सुनना ध्यान से देखो, डेल्टा पी एक्स क्या निकलेगा यहाँ से, डेल्टा पी एक्स इजिकल टू, देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई, इनमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, एवरेज वैल्यू तो आपको सारी याद होनी ही चाहिए, सही है। देखो डेल्टा पी एक्स क्या निकलेगा यहाँ से, वही फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए हमेशा, एक्स सॉरी स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर का रूट, सही है। तो पी एक्स का स्क्वायर का एवरेज माइनस पी एक्स एवरेज का स्क्वायर का रूट, क्लियर है चीज़। देखो मैंने आपको सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है मैंने आपको, मैंने सिखा रखा है कि पी एक्स एवरेज क्या आता है भैया, वो जीरो आता है, और पी एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या आता है भैया, हाँ जी हाफ बीटा एच कट स्क्वायर, क्या आता है हाफ बीटा एच कट स्क्वायर, सही है। रख दो यहाँ पर इनकी वैल्यू, डेल्टा पी एक्स देखो क्या निकल के आएगा, लो भैया पी एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या आएगा, लो भैया रहा एक बटा दो बीटा एच कट स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो रहेगा, लो भैया डेल पी एक्स क्या निकल के आ गया, हाँ जी देखो वन बाय रूट टू रूट बीटा एच कट। अब इनको याद करने की ज़रूरत है क्या, इनको क्या ये चीज़ें आपको बार बार निकालने की ज़रूरत है, नहीं, क्यों निकालो, आपको जब ये जनरल चीज़ें पता हैं, चार चीज़ें पता हैं, एक्स एवरेज क्या होता है जीरो, एक्स स्क्वायर एवरेज क्या होता है वन बाय टू बीटा, और पी एक्स एवरेज क्या होता है जीरो, पी एक्स स्क्वायर एवरेज क्या होता है हाफ बीटा एच कट स्क्वायर, तो ये वैल्यू अगर आपको याद है सारी तो आपको फिर ये चीज़ें निकालने की ज़रूरत है क्या, आपको अनसर्टेनिटी पता है अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो, स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर करते हो, सही है, ये तो करते हो आप, और ये करने के बाद फिर आपको दिक्कत है नहीं कोई, उसके बाद तो क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद तो, सही है, बोलो भाई। हाँ जी कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, नहीं है।
देखो यहाँ तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो आप बता देना इसमें, ताकि कभी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। एवरेज वैल्यू सारी आपको याद रहनी चाहिए, एवरेज वैल्यू केवल आपको याद करना ही सही है, ये मेथड ही सही है कि आप एवरेज वैल्यू को याद कर लो। क्लियर? हाँ जी, आगे चलें अपन। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने निकाला पी एक्स एवरेज और पी एक्स स्क्वायर का एवरेज। मैंने पी एक्स एवरेज निकाला, पी एक्स स्क्वायर का एवरेज निकाला। मैंने क्या करा, पी एक्स का ऑपरेटर जो है दो फंक्शन के बीच में क्या कर दिया, सैंडविच कर दिया। सैंडविच करने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पर जो ये इसका रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, एक्स की पावर वन, मतलब एक्स की पावर ऑड है। ऑड का मतलब जब भी ऑड आता है एक्स की पावर में इस टाइप के इंटीग्रेशन में, तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो मैंने इसका रिजल्ट जीरो कर दिया। अब मेरे को स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर में मैं आपको इंटीग्रेशन दो बार, सॉरी डिफरेंशिएशन पहले दो बार करूंगा, फिर मैं पूरे का इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा। उससे अच्छा मैं ये करता हूँ कि मैं इसके रिजल्ट को याद कर लेता हूँ। इसका रिजल्ट क्या होता है, हाफ बीटा स्क्वायर स्क्वायर। निकालना आपको आता है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन दो बार हो जाएगा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर? लेकिन आप सीधे रिजल्ट याद करो, वो मच मच बेटर है। क्लियर? फिर आपने क्या करा, अनसर्टेनिटी निकाला इन पोजिशन एंड इन मोमेंटम, दोनों में निकाला। स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर का रूट, यहाँ से निकाला आपने। और मोमेंटम कितना निकल के आया, वन अपॉन रूट टू बीटा। और यहाँ से निकला देखा आपने, तो वन अपॉन रूट टू और रूट बीटा और एच कट, ये है अपना अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। सही है? बोलो भाई। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की? नहीं है? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ताकि ऐसे चो में आप और चीज़ें सीखो अभी आप। क्लियर? मैं एक हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, उसको मैं वेरीफाई करूंगा अभी आपके सामने, वो सीखना, वो वेरीफाई कैसे होता है वो। सही है? देखो सुनना ध्यान से, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो सुनना ध्यान से भाई, सुनना भाई, सुनते रहना बाप। देखो ऐसे जो को अपन बहुत जल्दी निपटाएंगे, ऐसे जो को अपन चार या पाँच पाँच क्लासों में, पाँच क्लास खींच के पाँच में तो अपन इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे ऐसे जो को। सही है? अब क्योंकि अपन को आगे हाइड्रोजन एटम भी पढ़ना है, हाइड्रोजन एटम बहुत बड़ा है अभी। सही है? वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एवरेज वैल्यू के रिजल्ट आपको किसी भी वैल्यू के लिए, एवरेज वैल्यू के रिजल्ट आपको किसी भी वैल्यू के लिए निकालने हो, याद करने हो, तो ये तो मैंने ग्राउंड स्टेट के लिए बताया। आपको किसी भी वैल्यू के लिए निकालने हो तो क्या करोगे आप, देखो सुनो ध्यान से। एवरेज वैल्यू रिजल्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। सही है? एवरेज वैल्यू रिजल्ट, वैल्यू रिजल्ट एवरेज वैल्यू के रिजल्ट आपको निकालने हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। ठीक है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। देखो सुनना ध्यान से भाई, मैं क्या करने जा रहा हूँ इसको समझना आप, मैं क्या करने जा रहा हूँ इसको समझना आप। देखो एक्स एवरेज पता है आपको क्या होता है, जीरो होता है, सबके लिए जीरो आएगा भैया, किसी भी स्टेट में चले जाओ। पी एक्स एवरेज ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा किसी भी वैल्यू के लिए। सही है? पहले मैं एक बार ये चीज लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, एन की किसी भी वैल्यू के लिए आप क्या निकालना है, आपको एक्स एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, ये चीज़ सीखो अभी आप। सही है? देखो आपको पता है कि एक्स एवरेज तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा किसी भी वैल्यू के लिए। पी एक्स एवरेज भी हमेशा क्या आएगा, हाँ जी पी एक्स एवरेज भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर का एवरेज, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन प्लस हाफ वन अपॉन बीटा। वैसे क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए आपने निकाला भी क्या निकाला था, वन बाय टू बीटा, लेकिन इसके लिए क्या होता है, एन प्लस हाफ, हाँ जी वन अपॉन बीटा, ये होता है। क्लियर है चीज़? बोलो भाई, कोई डाउट है किसी भी तरीके का? नहीं है? अब देखो पी एक्स के लिए क्या होता है, मतलब इसके लिए सुनना देखो ध्यान से, इसके लिए पी एक्स स्क्वायर के लिए, पी एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, एन प्लस हाफ बीटा एच कट स्क्वायर, बीटा एच कट स्क्वायर। लो भैया, सही है? देखो ये वैल्यू तो याद रहनी चाहिए आपको भैया, ये वाले वैल्यूज। सही है? अब यहाँ से तो आप चाहो तो डेल्टा एक्स भी निकाल सकते हो, डेल्टा पी एक्स भी निकाल सकते हो। सही है? अनसर्टेनिटी निकालना तो बहुत आसान है, इनका स्क्वायर का जो भी रिजल्ट निकल के आएगा। देखो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर निकाल रहे थे ग्राउंड स्टेट के लिए, तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू जीरो रख दोगे तो हाफ वन अपॉन टू बीटा आ जाएगा, यहाँ से रखोगे तो एक बटा दो बीटा एच कट स्क्वायर आ जाएगा। आ गया सेम? सही है? आपको डेल्टा एक्स निकालना हो यहाँ से, तो डेल्टा एक्स के लिए भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट, यही कर दो, इसका रूट कर दो सीधे ही बस, एन प्लस हाफ, हाँ जी वन बाय बीटा हो गया। इसके लिए निकालना हो डेल्टा पी एक्स, कैसे निकालोगे, इसका रूट कर दो वापस से, एन प्लस हाफ और बीटा
एच कट स्क्वायर का रूट हो गया। लो भैया ये इनके रिजल्ट आ गए। मतलब आप किसी भी वैल्यू, अभी तक तो एवरेज वैल्यू आप निकाल रहे थे किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। अब आप ग्राउंड, आप किसी भी स्टेट के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के लिए। सही है, ये आपके समझ में आ गया अब तक। सही है, ये तो है एवरेज वैल्यू के रिजल्ट के बारे में। अब अपन देखते हैं एक बार हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो अपन कैसे वेरीफाई करेंगे उसको देख लेते हैं। मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। आपको बताया कि लीनियर मोमेंटम और पोजीशन कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन एक साथ। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आप लीनियर मोमेंटम और पोजीशन को दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। उनके लिए एक कॉन्स्टेंट वैल्यू निकल के आती है अलग से। ठीक है, वो वैल्यू क्या आती है देखो एक बार। पहले मैं लिख देता हूँ ये कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है ये देखना एक बार। आपको अच्छे से पता है, देखो मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको हर एक तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा और आपके समझ में आना चाहिए वो। देखो कैसे, आपको एक चीज़ पता है अच्छे से, क्या है कि लीनियर मोमेंटम, क्लियर, लीनियर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में, ये तो पोजीशन हो गया लीनियर मोमेंटम, इनमें जो अनसर्टेनिटी होती है ठीक है, या इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा, ग्रेटर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट किससे, एच कट बाई टू से। बोलो भाई ये बात सही है या नहीं है। ये अपना क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैंने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कम्यूटेटर में भी समझाया था, याद करो। किसमें समझाया था, कम्यूटेटर में भी, वहाँ पर ही मैंने ये चीज़ें आपको प्रूव कराई थी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, आप उस क्लास को ले लेना, आपका लेक्चर नंबर शायद 7 या 8 होगा वो, क्लियर, कम्यूटेटर का। तो उसको पढ़ना ढंग से, वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ A to Z समझ में आ जाएगा आपको वहाँ पर, क्लियर है चीज़। मतलब यहाँ पर क्या होता है, लीनियर किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्लियर, दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है वहाँ पर, क्लियर। और ये इसको अगर अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें इसको अपन, तो डेल एक्स और डेल पी एक्स, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई टू, क्लियर है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो इसको मैं प्रूव करूंगा, इसको वो इक्वल भी होगा और ग्रेटर देन भी होगा। कैसे होगा, बॉक्स में तो होता है वो ग्रेटर देन, बॉक्स में तो क्या होता है ग्रेटर देन, और SHO में होता है वो क्या, सॉरी SHO में क्या होता है, वो SHO में हो जाता है इक्वल, क्लियर है चीज़। देखो मैं कैसे प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको, सुनना देखो ध्यान से एक बार। देखो कैसे होगा, डेल एक्स क्या होता है, डेल पी एक्स क्या होता है, पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ बॉक्स के लिए, किसके लिए बता रहा हूँ, बॉक्स के लिए, सही है। देखो इन द बॉक्स या 1D बॉक्स ले देता हूँ, क्या दिक्कत है, इन द 1D बॉक्स, 1D बॉक्स में क्या होता है, डेल एक्स क्या होता है भैया बताओ, डेल एक्स क्या होता है 1D बॉक्स में, हाँ जी एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व माइनस एल स्क्वायर बाई, हाँ जी 2n² π² का रूट होता है, का क्या होता है, रूट, सही है, ये होता है। और डेल पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल पी एक्स इसकी वैल्यू होती है NH/2L। लो भैया सही है चीज़। अब इन वैल्यूज़ को मैं एक बार रख देता हूँ इसमें, इन वैल्यूज़ को एक बार मैं इसमें रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और देखो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ, डेल एक्स की वैल्यू भी रख रहा हूँ, डेल पी एक्स की वैल्यू भी रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सही है। देखो डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी रख दो, देखो रखते जाओ क्या आना चाहिए, एच कट बाई टू, सीधे रखते हैं ना एक बार, इसको रख के देखते हैं एक बार, देखो क्या आ रहा है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डेल एक्स में यहाँ से इस एल स्क्वायर को बाहर लेके चल रहा हूँ मैं, यहाँ से भी कॉमन ले रहा हूँ, उधर से भी कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से एल बाहर निकलेगा, को केवल क्या निकलेगा, एल बाहर निकलेगा, तो एल देखना भैया, सुनते जाओ भाई साहब, देखते जाओ एक बार, 1/12 माइनस 1/2n² π² देखो मैंने यहाँ से L कॉमन ले लिया सीधे ही, मैंने सीधे को L कॉमन ले लिया, और क्या बचेगा, NH/2L, लो भैया NH/2L, क्लियर है चीज़। बोलो भाई सही है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। एक बार इसको आप क्या करो, ग्राउंड स्टेट के लिए और ले लो, किसके लिए ले लो, ग्राउंड स्टेट के लिए, फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए लोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से L बाहर ले लो, यहाँ से L square by 12 माइनस
एल स्क्वायर बाई टू पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, सही है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। लो भैया समझ में आ गया। यहाँ से आप इसको जब ग्राउंड स्टेट के लिए लोगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखो एच अपॉन टू एल क्या हो जाएगा, एच अपॉन टू एल। लो भाई देखना इधर, देखो इधर, देखो भाई देखो, हाँ जी इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी देखो, जो कट रहा है उसको काटो पहले, तो यहाँ से एन स्क्वायर को हटाओ और इस एन को हटा दो, टू पाई स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा, केवल एच ही बचेगा यहाँ। तो देखो जो कट रहा है उसको काट दो पहले, तो इस एल से तो इस एल को काट दो, सही है। अब बचेगा क्या, बचेगा क्या देखना भाई। देखो ये जो वैल्यू होती है, ये वाला पूरा, ये वाला जो सिंबल होता है, ये जितने भी चीज़ें हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5, क्या होती है 0.57, क्या आती है 0.57, क्लियर है चीज़। हाँ जी बोलो भाई, ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। देखो भाई ये बात सही है बिल्कुल, 0.57 आ गया, कितना आ गया डेल एक्स, और देखो पोजीशन और मोमेंटम इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी है इनका प्रोडक्ट क्या आ गया 0.57, कितना आ गया 0.57 एच कट, क्लियर है। 0.57 कितना आ गया एच कट। अब एक चीज़ समझना, एक चीज़ बताना मेरे को, यहाँ पर एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है इस एच कट बाय टू से। एच कट बाय टू का मतलब क्या हो गया 0.50 है, क्या है 0.50। देखो इसका मतलब यही तो निकल के आया कि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन किससे, 0.5 एच कट से। देखो इसका मतलब क्या है 0.5, सही है। इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया एक, तो क्लियर है। बोलो जी समझ में आया नहीं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट क्या निकल के आया था 0.57, जो कि क्या है इस 0.5 से ज़्यादा है, क्लियर। अब देखो ये तो अपन ने किसकी बात करी, इन द वन डी बॉक्स, इन द वन डी बॉक्स, क्लियर है चीज। ये तो अपन ने बात करी इन वन डी बॉक्स में, क्लियर। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, इन वन डी एस एच ओ। लो भैया इन वन डी एस एच ओ में बात कर लेते हैं एक बार अपन, इन वन डी एस एच ओ। देखो इन द वन डी एस एच ओ, अब वन डी एस एच ओ के लिए आपको पता है कि डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल एक्स की वैल्यू, हाँ जी याद करो, वन बाई रूट टू बीटा, क्या होती है वन बाई रूट टू बीटा। और डेल पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल पी एक्स की वैल्यू याद करो भैया, वन बाय रूट टू रूट बीटा और एच कट, ये होती है, सही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई लो आप, लो मल्टीप्लाई, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इजिकल टू क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई लो इनका, वन बाय रूट टू रूट बीटा, सही है डॉट, हाँ जी वन बाई रूट टू रूट बीटा एच कट। देखो जो 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 कट रहा है उसको काट दो पहले, तो क्वांटम का पहला रूल क्या है, और जो जो कट रहा है उसको काट के जाओ। लो भैया रूट बीटा को काटा रूट बीटा से, सही है। अब क्या निकला यहाँ से, निकलेगा क्या, अरे देखो रे, देखो भैया देखो, रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा एच कट। लो भैया एच कट बाई टू, क्या बचेगा एच कट बाई टू। अब देखो एक बात मेरे को बताओ, यहाँ से मेरे को एक बात बताओ कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ये क्या निकल के आया, एच कट बाई टू, क्या निकल के आया एच कट बाई टू। देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स एक बार तो क्या निकल के आ रहा है, एक बार तो निकल के आ रहा है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स कि इससे क्या है ये ज़्यादा है, एक बार क्या है इससे कम है, एक बार तो ज़्यादा एक बार क्या है कम। अब मैं अगर कंबाइंडली इन दोनों को लिखूँ, सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट एक बार तो इससे ज़्यादा आ रहा है, एक बार इससे कम आ रहा है, क्लियर है चीज़। बोलो भैया कोई डाउट किसी भी तरीके का, सो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, इससे ज़्यादा भी आ गया बराबर भी आ गया, इसका मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेरीफाइड, क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो हम क्या हम ये कह सकते हैं कि सीधे डायरेक्ट यहाँ से देखो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, सो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई टू। लो भैया समझ में आया या नहीं आया भाई बताओ। फाइनली अपन क्या कह सकते हैं, ये देखो ये तो आया किससे, ये तो आया बॉक्स से वन डी बॉक्स, और ये आया वन डी एस एच ओ से, सही है। ये वन डी एस एच ओ से आया, ये वन डी बॉक्स से आया, और फाइनली अपन क्या लिखे, सो फाइनली
लो भैया, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट क्या आ गया भैया, एच कट बाय टू से ज़्यादा भी आ गया और बराबर भी आ गया। तो यहाँ से अपना क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेरीफाई होता है, और ये वेरीफाई होने के बाद अपन ने ये सब चीज़ें सीख ली यहाँ पर। क्लियर है चीज़, बोलो भैया, कोई डाउट नहीं किसी भी तरीके का। अब अपन नेक्स्ट क्लास जब लेके आएंगा, मैं कल जो मैं पढ़ाऊँगा आपको लेक्चर नंबर 33 में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फीचर्स ऑफ SHO क्या है। उसमें अपन बात करेंगे एनर्जी के बारे में, बात कर लेंगे थोड़ा बहुत अपन, उसमें ग्राफ के बारे में बात कर लेंगे, नोड के बारे में बात कर लेंगे, क्लियर। और उसमें अपन जनरल चीज़ें और देख लेंगे, वेव फंक्शन की सिमेट्री क्या होती है जो अपन ने 1D बॉक्स में पढ़ा था, उन चीज़ों को अपन वापस से देख लेंगे यहाँ पर। क्लियर, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी भी तरीके की तो बताओ। देखो अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पर, अभी क्या पढ़ा अपन ने, पढ़ा एवरेज वैल्यू के बारे में। एवरेज वैल्यू अपन ने सीखी, अभी वो सीखी अपन ने ग्राउंड स्टेट के लिए। अपन अगर किसी n की किसी भी वैल्यू के लिए आपसे एवरेज वैल्यू पूछे तो आप इन फॉर्मूलेज को अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, सही है। जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर का, देखो एक्स एवरेज और पी एक्स एवरेज तो जीरो होगा। एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, एन प्लस हाफ वन बाई बीटा, और पी एक्स स्क्वायर एवरेज क्या हो जाएगा, एन प्लस हाफ बीटा एच कट स्क्वायर। क्लियर, बाकी इनसे तो आप ये निकाल ही सकते हो। अब देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो मैंने यहाँ पर वेरीफाई करके बताया आपको, बॉक्स और SHO दोनों को मिक्स करके, ठीक है। मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बॉक्स और 1D बॉक्स, बॉक्स और SHO दोनों को मिक्स करके बताया। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू जो मैथमेटिकली टर्म में निकल के आती है क्या निकल के आती है, एच कट बाय टू से या तो इक्वल होगी या फिर ज़्यादा होगी। अब इक्वल तो कहाँ होती है SHO में, और ज़्यादा कहाँ होती है बॉक्स में, वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स वैल्यू अपन निकाल चुके, बॉक्स में निकाल चुके, ये लो बॉक्स में वैल्यू ये रही और SHO में वैल्यू ये रही, कहाँ गई SHO में, ये देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू ये रही, डेल्टा पी एक्स की वैल्यू ये रही। जब बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स में ये ज़्यादा आता है, और SHO में बात करते हैं तो ये बराबर आता है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल भी आ रहा है और ग्रेटर देन भी आ रहा है एच कट बाय टू से। इसका मतलब ये हो गया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड बॉक्स और SHO से। क्लियर है, तो यहाँ तक अपन ने SHO को सीख लिया। अब कल मैं लेके आऊँगा फीचर्स ऑफ SHO। क्लियर, तो यहाँ तक आप रखना क्लास को, अभी रखते हैं अपन इस क्लास को, यहाँ तक एंड करते हैं अभी। क्लियर, किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो लोग नीडी हैं वहाँ तक पहुँचाना इनको, वीडियोज़ को वहाँ तक पहुँचाओ गाइस। क्लियर, आपको केवल शेयर ही तो करना है, शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग नीडी हैं, जो बाहर ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग्स या फिर ऑनलाइन कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उनको आप वहाँ तक पहुँचाओ इन वीडियोस को। क्लियर है चीज़, हाँ जी। देखो मैं आज की क्लास को एंड कर रहा हूँ, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस, थैंक यू सो मच।